नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा सिरमौर मार्ग पर बीती शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी और बेटी को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बेटी की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां भी गंभीर रूप से घायल हुई और पिता को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा घटना से आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया गया था। वहीं घटना कारित करने वाले डंपर को बदले जाने का भी आरोप लगाया गया है। मृतका का पिता पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा पुलिस लाइन निवासी प्रदीप साकेत अपनी पत्नी और बेटी पल्लवी के साथ सिरमौर की ओर जा रहे थे। बीती शाम तकरीबन 5 बजे जैसे ही वह ग्राम खैरहन के समीप पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी बेटी पल्लवी डंपर के नीचे आ गई और उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि प्रदीप की पत्नी के भी शरीर के कई हिस्से टूट गए हैं। वहीं सड़क हादसे में प्रदीप साकेत भी घायल हुए हैं। लोगों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने बैकुंठपुर सिरमौर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो शाम 5 बजे हुई सड़क दुर्घटना के बाद रात्रि 8 बजे मौके से बच्ची के शव को हटाया गया और पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना कारित करने वाला डंपर पल्हान गांव का बताया गया है, जिसे बदल दिया गया है क्योंकि दुर्घटना कारित करने वाले डंपर का रजिस्ट्रेशन और नंबर ही नहीं था। इस बात की सच्चाई क्या है, यह तो जांच का एक विषय है। ऑटो